बिल्कुल क्षेत्र रेखाओं की बात करें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी वास्तव में क्या होती हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र में वाहक द्वारा जिस पथ पर गमन करता है वह उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पहला इसकी परिभाषा ये लिखी हुई है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश मतलब कहने का तात्पर्य प्लस क्यू दे सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में काम धारा वे जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वास्तव में यदि ईमानदारी से कहा जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की किसी ने रेखा नहीं है, यह केवल एक कल्पना मात्र है, यह केवल एक कल्पना मात्र है। क्षेत्र रेखाओं को स्पष्ट दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। अब हम आगे बढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण है आपका कि ये क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, धनावेश पर समाप्त होती है, मतलब ये जो रेखाएं होती है नंबर एक विद्युत क्षेत्र क्या कहता है आपको कि ये
विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं कभी भी। जैसे अपन इसमें भी देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से, परंतु ये ऐसा नहीं कि इसको काट के ऐसे करके ऐसे आ जाए, ये समांतर हो सकती है, एक दूसरे को काट नहीं सकती। लिखेंगे अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, दोनों सब देखे हैं, एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती है। फिर अगला है चौथा गुना है इसका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार होती है, लचकदार डोरी के समान, जैसे आप देख रहे हैं ये लचकदार डोरी के समान है, ये लचकदार, लचक का मतलब होता है जो ऐसे क्या हो जाए झूल जाए। तो नंबर चार है विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती है। नंबर पांचवा गुण है, पांचवा गुण ये कहता है कि हम ये जान सकते हैं समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में क्या होता है आकर्षण होता है, या और दूसरा हम कह सकते हैं जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होगी वहां क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, यहाँ क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी वहां की तीव्रता कम होगी, यही एक हो सकता है हमारा। एक और गुण है हमारा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक पृष्ठ के लंबवत होती है, सदैव चालक पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब एक इसमें और जोड़ सकते हैं, जहाँ क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र सघन माध्यम में होता है, मतलब अधिक होता है, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा वहाँ पे विद्युत क्षेत्र विरल होती है, एक ये भी गुण आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसके 5 से 6 गुण होते हैं, एक गुण और भी लिख सकते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, ये भी गुण हो सकता है। तो कई प्रकार के और भी गुण हैं आप लिख सकते हैं, बाकी 5 गुण हमें याद रखना है, पुस्तक में 7-8 गुण मैंने आपको बताए हैं, 7-8 में से आपको 5 तैयार रखना है और उन्हीं को पेपर में तैयार करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, पहले जब पेपर हमारा थ्योरेटिकल आया करता था आज से 5-6 साल पहले, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में आ चुका है, बसरते अब जो है वो डेंजर ज़्यादा आते हैं, फिर ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसे तैयार करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।